इंग्लिश बोलना हुआ आसान के आज फिर एक नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं आपको एक नया वर्ड पढ़ाने जा रहा हूं जिसका डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। उस वर्ड का नाम है स्टूडेंट कैरी, CARRY कैरी। कैरी का बेसिक मीनिंग होता है स्टूडेंट ढोना, राइट? कैरी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? ढोना। ओके, लाइक हम रेलवे स्टेशन जाते हैं और अपने सूटकेस, अपने लगेज अपने साथ लेके जाते हैं, यानी कि ढो के जाते हैं, राइट? उसी तरह से स्टूडेंट बहुत सारी चीजें हम अपने दिमाग में, ओके, अपने हाथों में, अपने शोल्डर्स पे, अपने पीठ पे ढो के ले जाते हैं, राइट? या जानवर एक जगह से दूसरे जगह, जैसे घोड़ा हुआ, राइट, हॉर्स, डोंकी और बुलक कार्ट्स, राइट, या आपके बुल हुए, जिनको भी हम, राइट, जिनके ऊपर हम सामान रखते हैं और एक जगह से दूसरे जगह उनको हम यूज करते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट भी, जैसे ट्रेन हुआ, शिप हुआ और आपका बस हुआ, राइट? ये क्या करता है? कैरी करता है। क्या कैरी करता है? पैसेंजर्स, राइट? तो स्टूडेंट, आज के इस वर्ड में आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इसकी बेसिक मीनिंग आपको समझनी है और बेसिक मीनिंग समझ के आप जैसे ही प्रैक्टिस करते हैं, दिस वर्ड विल कम ऑन योर टंग, राइट? तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अपने विजन को बोर्ड से मत हटाइएगा, राइट? कैरी, कैरी मींस होता है स्टूडेंट ढोना, राइट? क्लियर है? कैरी मींस ढोना। व्हाट डू आई कैरी? जब मैं रेलवे स्टेशन जाता हूं तो व्हाट डू आई कैरी? लगेज। आई कैरी लगेज टू रेलवे स्टेशन। लगेज रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, जहां भी जाता हूं मैं अपने लगेज को, अपने सूटकेस को, बैग को लेके जाता हूं। ओके, मोबाइल, राइट, मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं, यानी कि ले जाना, राइट, पास होना। तो मोबाइल हम क्या करते हैं? अपने पास रखते हैं, पास होना, ले जाना। आई कैरी माई मोबाइल टू स्कूल। मैं मोबाइल को स्कूल ले जाता हूं, राइट? आई कैरी माई लैपटॉप ऑन माई बैग। आई कैरी माई लैपटॉप ऑन माई बैग, राइट? क्लियर है? डिसीज, लुक एट द बोर्ड स्टूडेंट, बहुत ही इजी है, बस ध्यान देने की जरूरत है। ओनली हियर इज द मैटर ऑफ कंसंट्रेशन, सिर्फ आप ध्यान लगाए। डिसीज, तो हमारी बॉडी क्या करती है, करेक्ट? मान लीजिए मुझे कोई घाव हो गया, ओके, वुंड, करेक्ट, इंजरी हो गई, चोट लग गई, मेरे लेफ्ट हैंड पे है और मेरे राइट हैंड पे है, राइट? तो मेरी डिसीज, मेरी बॉडी क्या करेगी? माई बॉडी कैरीज डिसीज। माई बॉडी कैरीज डिसीज। बेसिक मीनिंग क्या स्टूडेंट मैंने बताया आपको? ढोना, ले जाना। इन इंग्लिश वी कैन से टू होल्ड somebody और समथिंग इन योर हैंड्स, इन योर आर्म्स, ऑन योर बैक, ऑन योर शोल्डर, इन योर ब्रेन। अब ब्रेन में हम क्या कैरी करते हैं? आइडियाज, थॉट्स, आइडियाज, थॉट्स, राइट, सजेशंस, ओके, कोई फीलिंग, इमोशन कहां होती है? ब्रेन में। माय ब्रेन कैरीज लॉट ऑफ आइडियाज, माय ब्रेन कैरीज लॉट ऑफ थॉट्स। बेसिक मीनिंग क्या बताया? ढोना। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग? ढोना, राइट? इसी बेसिक मीनिंग को पकड़ के स्टूडेंट
हम कैरी वर्ड को समझेंगे. राइट, यू कैच दिस कैरी वर्ड. ओके, यू कैच दिस कैरी वर्ड एंड कैरी दिस कैरी वर्ड विथ यू. राइट, क्लियर है? एनी डाउट? आपकी बॉडी डिसीज को कैरी करती है, उसके बाद क्या करती है, इसको स्प्रेड करती है. यानी कि माई बॉडी कैरीज अ राइट डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज. क्लियर है? ओके, सपोज आपके पड़ोस में कोई रहता है जो वायरस को कैरी करता है. करेक्ट, माई नेबर कैरीज वायरस. माई नेबर कैरीज वायरस. क्लियर? मैं शादी में जा रहा हूं कहीं पे, राइट? मेरे पापा ने कहा कि जिनके यहां शादी है बेटा उनको मेरे तरफ से प्रणाम बोल देना. तो मैंने अपने पापा का मैसेज ले गया. आई कैरी माई फादर मैसेज. आई कैरी माई फादर मैसेज टू मैरिज पार्टी. यानी कि टू माई वॉट, टू माई वेडिंग एनिवर्सरी प्लेस. राइट, या टू वेडिंग प्लेस. जो शादी का स्थल था मैं वहां मैसेज ले गया. किसका मैसेज? हूज मैसेज? मैसेज ऑफ माई फादर. क्लियर है? तो हम जो भी चीज कैरी करते हैं माइंड में, हाथों में, शोल्डर में, बैक में, सर पे, हम उसको हम क्या बोलेंगे? कैरी. क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट? अब न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर आर्टिकल को, आर्टिकल मींस लेख, और फोटो को क्या करता है? कैरी करता है. यानी वहां कैरी का मतलब क्या है? प्रिंटेड. कैरी मींस प्रिंटेड. राइट, यस्टरडे दैनिक जागरण न्यूज़पेपर कैरीड माय फोटोग्राफ. एवरी संडे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर कैरीज माय आर्टिकल. क्लियर? Yes or no? Yes or no? तो स्टूडेंट बेसिक मीनिंग को पकड़ के चलेंगे कि यहाँ न्यूज़पेपर क्या कर रहा है, मेरे थॉट्स को मींस मेरे लेख को और मेरे फोटोज को मींस उसमें छाप रहा है, यानी छप रहा है. छप रहा है यानी अखबार एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, उसमें मेरे फोटो, मेरा लेख क्या है? छपा हुआ है. यानी वो अखबार मेरे नाम को, मेरे लेख को ढो रही है. ये सुनो, क्लियर है? एनी डाउट? तो बेसिक मीनिंग हम जब किसी वर्ड का पकड़ते हैं ना स्टूडेंट, तो हमारे लिए वो वर्ड बहुत आसान हो जाता है. दैट वर्ड बिकम्स वेरी इजी फॉर मी. राइट, तो स्टूडेंट मैंने आपको कैरी के कई मीनिंग बताए. एक, आइडियाज थॉट्स हमारे दिमाग में होते हैं. आई कैरी सेवरल थॉट्स, सेवरल आइडियाज. राइट, और उन आइडियाज और थॉट्स को हम क्या करते हैं? When the time comes, जब समय आता है तो मैं उसका यूज करता हूँ. I use those ideas, right? हम पढ़ाई लिखाई करते हैं. We study in our life. पढ़ाई लिखाई करके क्या होता है? Ideas develop in my brain. वो ideas जब develop हो जाते हैं तो when the time comes, जब समय आता है, when the time comes, I use those ideas. Means, I carry those ideas in my life. And when the time comes, I use those ideas. मैं उन आइडियाज को कैरी करता हूं और जब समय आता है तो उन आइडियाज को यूज करता हूं या अप्लाई करता हूं अपनी पर्सनैलिटी पे और इन द फेवर ऑफ समवन और समबडी या किसी के पक्ष में. क्लियर? 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 मैंने महात्मा गांधी की बुक पढ़ी. आई रेड महात्मा गांधी बुक. मैंने स्वामी विवेकानंद के थॉट्स पढ़े. आई रेड स्वामी विवेकानंद थॉट्स. अब थॉट्स पढ़ लिए, एक्सपीरियंस हो गया, नॉलेज हो गई माइंड में. अब मैं क्या करूंगा? वेर एवर आई गो, जहां भी मैं जाऊंगा, आई कैरी थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी. आई कैरी थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद. राइट, आई कैरी मींस माई ब्रेन कैरीज. तो ब्रेन कहां है?
in my body. So my body carries brain and my brain carries ideas. Yes or no? So carry ka basic meaning kya hua student? Dhona, le jana. Correct? Ye word, marvelous word hai student. Gajab ka word hai. Jiski basic meaning agar catch kar li jaye, pakad li jaye, carry kar li jaye, dho li jaye, to hum is word ko bahut hi aasani se samajh sakte hain. Right? Ab hum kuch phrasal verb ki baat karte hain student. कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है स्टूडेंट जारी रखना. टीचर क्लास में आ गया, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं. क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं on any topic. तो आदमी टीचर क्या बोलेगा? टीचर विल से carry on students, carry on your conversation, carry on your debate, carry on your conversation, carry on your question and answer session, carry on your group discussion. तो carry on का मतलब क्या है? To continue an activity, right? कैरी आउट, कैरी आउट मीन्स होता है स्टूडेंट टू फॉलो ऑर्डर्स ऑफ सीनियर्स, टू फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ समबडी, राइट? कैरी आउट यानी कि अपने से बड़े का, अपने से सीनियर के आदेश का पालन करना, यानी कि उसकी बोली हुई बात को कार्यान्वित करना, राइट? कैरी आउट, कैरी आउट सर्वे, carry out project, carry out experiment, carry out test, carry out analysis. कोई भी चीज हम carry out करते हैं, right? यानी कि मेरे boss ने कहा experiment को क्या करो, carry out करो, यानी कि जैसे मैंने बोला है, जैसे मैंने orders दिए हैं, उस हिसाब से उस काम को क्या करो, उसका पालन करो, यानी कि अपने से सीनियर द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना. क्लियर? कैरी समथिंग ऑफ, किसी चीज को बड़ी मुश्किल से कंप्लीट करना. To succeed in doing something difficult work, right? मुझे किसी ने स्टेज पे बुला लिया. Somebody called me on the stage. उसने कहा भाई गोश भाषण देके दिखाओ, right? Somebody called me on the stage and told me to say something and told me to deliver a speech. एक भाषण दीजिए. When I started speaking, when I started my speech, I felt nervous, but I carried it off very well, right? जब मैंने भाषण शुरू किया तो मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ, उदास हुआ, लेकिन मैं सफलतापूर्वक उसको आगे बढ़ाया, यानी कि आगे ले जाना, यानी कि मैं उस भाषण को सक्सेसफुली आगे ले जाना, यानी ले गया. क्लियर? स्टूडेंट आज हमने सीखा कैरी वर्ड, जिसका बेसिक मीनिंग मैंने आपको बताया ढोना, राइट? आप इसके बेसिक मीनिंग को अगर आप पकड़ लेंगे स्टूडेंट, तो आपके लिए वर्ड बहुत ही आसान हो जाएगा. इट विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड कैरी, राइट? हमेशा स्टूडेंट इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि वेन एवर आई गिव यू एनी आइडियाज, तो उस आइडियाज में आपको स्टूडेंट मेरी इस बात पे खास तौर पे ध्यान देना है कि सर किस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, किस चीज पे सर बार बार बोल रहे हैं कि ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, राइट? तो स्टूडेंट आज का हमारा वर्ड था कैरी. हम डे टू डे लाइफ में लगेज कैरी करते हैं, मोबाइल कैरी करते हैं, लैपटॉप कैरी करते हैं, राइट? अब मेरी बॉडी डिजीज कैरी करती है, राइट? न्यूज़पेपर आर्टिकल कैरी करता है, फोटो कैरी करता है, राइट? स्टूडेंट्स
किसी एक्टिविटी को कैरी ऑन करते हैं तो हम कहते हैं कैरी ऑन जीडी, कैरी ऑन डिबेट, कैरी ऑन ग्रुप डिस्कशन। कोई जूनियर अपने सीनियर यानी अपनी बॉस वगैरह के इंस्ट्रक्शंस को कैरी आउट करता है तो हम कहते हैं कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस, कैरी आउट एक्सपेरिमेंट, कैरी आउट टेस्ट, कैरी आउट एनालिसिस, राइट। हमारा माइंड है आइडियाज को ब्रेन में कैरी करता है तो हम कहते हैं माय माइंड कैरीज आइडियाज थॉट्स, राइट, वेरियस थिंग्स, ओके, इमोशंस फीलिंग्स इन माय ब्रेन। मैसेज हम कैरी करते हैं, किसी को जाके देते हैं तो हम कहते हैं आई कैरी मैसेज ऑफ थैंक यू टू माई सर। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, आज हमने कैरी वर्ड को सीखा, हम इस कैरी वर्ड को अपने लाइफ में कैरी करेंगे स्टूडेंट और इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। आई होप टुडे यू हैव एंजॉयड दिस सेशन स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले सेशन में फिर मिलेंगे स्टूडेंट विथ न्यू वर्ड विथ न्यू एनर्जी। थैंक यू स्टूडेंट्स।